दांत की कैविटी हमारे शरीर में खमीर उठने की उदाहरण है। जब फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन जैसे मीठी वस्तुएं हमारे दांतों के साथ लंबा संपर्क बनाती हैं, तो यह फर्मेंटेशन होती है, खास तौर पर रात को, और कैविटीज या दांत की खोड बननी शुरू हो जाती है। सबसे पहले हमारे दांत पर छोटा सा, 1 मिलीमीटर से भी छोटा चौकी वाइट रंग का दाग उभरता है। हमारी जीभ बार बार दांत के ऊपर उस रफनेस का संकेत करती है, लेकिन हमें किसी भी तरह की दर्द नहीं होती। जब हम उस सफेद दाग को गंभीरता से नहीं लेते, तो वो दाग किसी दिन ब्राउन या भूरे रंग का हो जाता है। तब हमें हल्के हल्के ठंडे गरम के झटके लगने महसूस शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम उस भूरे रंग के दाग की भी परवाह नहीं करते, तो एक दिन हमारा दांत वहां से हल्का सा टूट जाता है और हमारी जीभ एक छेक का संकेत करने लगती है। उसका रंग अब काला हो चुका होता है और हमें बहुत ही तीव्र गति की दर्द होनी शुरू हो जाती है, और फिर हम दांत के डॉक्टर के क्लिनिक पर चक्कर लगाने शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, हमें एक जटिल और महंगे इलाज से गुजरना पड़ता है। मेरी आज सलाह है प्रिय दोस्तों कि इन सब उलझनों, दर्दों और एमरजेंसी से बचने के लिए हमें रात को ब्रश करना चाहिए। आज मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं प्रिय दोस्तों कि जो लोग रात को सोने से पहले ब्रश करते हैं, उनको दांतों के डॉक्टर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आइए प्रिय दोस्तों, आज इस विचार को पकड़े, कुछ भी हो जाए, रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करना है। धन्यवाद प्रिय दोस्तों, मेरा आभार प्रिय दोस्तों, आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो। आज वाहेगुरु जी के आगे मेरी यह अरदास है।